भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता शानदार रहा। घरेलू शेयर बाजार में लंबे अंतराल के बाद फिर से तेजी लौट आई है। लगातार 5 सप्ताह के नुकसान के बाद पिछले सप्ताह के दौरान बाजार में तेजी देखने को मिली। बीते दिनों आर्थिक मोर्चों पर अच्छी खबरें मिलने से बाजार को सपोर्ट मिला। निफ्टी पिछले सप्ताह 0.86% चढ़कर 19,435.30 के लेवल पर बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स 0.77% की तेजी के साथ 65,387.16 पर क्लोज हुआ। खैर, अब अगला हफ्ता कैसा रहेगा और किन किन फैक्टर्स पर बाजार की दशा और दिशा तय होगी, ये जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इस हफ्ते के बड़े इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। 4 सितंबर को अमेरिका के बाजार बंद हो रहेंगे। 5 सितंबर को US फैक्ट्री ऑर्डर ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। 6 सितंबर को US बैलेंस ट्रेड सर्विस PMI के आंकड़े आएंगे। 6 सितंबर को यूरो जोन के अगस्त कंस्ट्रक्शन रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। 6 सितंबर को भारत के सर्विस PMI के आंकड़े आएंगे। 7 सितंबर को चीन के अगस्त बैलेंस ऑफ ट्रेड के आंकड़े। 8 सितंबर को भारत के डिपॉजिट ग्रोथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े आएंगे। यानी पूरा हफ्ता एक्शन पैक्ड रहने वाला है। अब भारतीय शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव खबर क्या है, जान लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI 3 महीने की ऊंचाई पर आ गया है। वहीं अगस्त में ऑटो सेल्स के अच्छे आंकड़े आए हैं। और तो और, डॉलर के मुकाबले रुपए में मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। अभी एक डॉलर का भाव 83 रुपए के नीचे आ गया है। अब भारतीय शेयर बाजार के लिए ये तो पॉजिटिव खबर हुई, अब बाजार के लिए नेगेटिव क्या है, ये जान लेते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड 2.24% मजबूत हुआ। अभी ब्रेंट क्रूड का भाव $88.16 प्रति बैरल के पार चला गया है। अब आपको तो पता ही है कि तेल की बढ़ती कीमतों से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होता है, इसलिए ब्रेंट क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी को बाजार के लिए नेगेटिव माना जाता है। अब आइए FPIs के आंकड़ों पर। अगस्त में FPIs के निवेशक में सुस्ती देखने को मिली है। अगस्त में FPIs ने भारतीय शेयर बाजार में 12,262 करोड़ रुपये डाले हैं। ये पिछले 4 महीने में FPI के द्वारा सबसे कम इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा है। अब कैसी रहेगी बाजार की चाल, ये जान लेते हैं। निफ्टी 6 ट्रेडिंग सेशन के बाद 19,400 के लेवल के पार जाकर बंद हुआ है। 19,300 के फुट में जोरदार बिकवाली देखने को मिली है। वहीं 19,250 से लेकर 19,300 सितंबर सीरीज की शुरुआत में बेस बन गया है। ऊपर निफ्टी का अगला टारगेट 19,550 से लेकर 19,600 रह सकता है। बता दें, US में जॉब आंकड़ों का भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अब जाते जाते निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल को भी जान लेते हैं। निफ्टी के सपोर्ट लेवल 19,380 से लेकर 19,350 रह सकते हैं। निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 19,475 से 19,510 हो सकता है। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल 44,150 से लेकर 44,200 और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 44,650 से लेकर 44,800 हो सकता है। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।